मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ना दबाना भूलिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी के लिए ज़रूरी है। हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसको सीखेंगे बाई यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव से। अर्थात हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे और सिंपल सेंटेंस तैयार करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस की पहली विशेषता है कि एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, अर्थात जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा वर्ब वैसा सब्जेक्ट। तो फिनिट या फाइनाइट वर्ब को ही हमको सबसे पहले पकड़ना है और सब्जेक्ट को पकड़ना है और सिंपल सेंटेंस आपको मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है इन्फिनिटिव कहलाती है। जैसे टू गो, टू गो, टू प्लस गो टू गो, टू प्लस कम टू कम, टू प्लस ईट टू ईट, टू प्लस लर्न टू लर्न, टू प्लस रीड टू रीड। अर्थ इसका निकलेगा ना ने नी। तो फंक्शन में हम नहीं जाएंगे, अर्थ में आप देखिए ना नी ने, अर्थात इन्फिनिटिव ये तैयार होगी। प्रकार इसके देख लेते हैं हम। तो इन्फिनिटिव के भेद जो हैं कई हैं, तो विशेष तौर पे हमें जो देखना है वो फुल इन्फिनिटिव देखना है और वेयर इन्फिनिटिव देखना है। फुल इन्फिनिटिव देखना है और वेयर इन्फिनिटिव देखना है, फुल और वेयर। तो फुल और वेयर को ही हमको देखना है। फिलहाल भेद को जान लेते हैं। तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे टू गो, टू टीच, टू रन, ये आपकी प्रेजेंट इन्फिनिटिव हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और निगेटिव इन्फिनिटिव दूसरा प्रकार है, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे नॉट टू गो, नॉट टू रीड, नॉट टू प्ले, नॉट टू टच, इस तरह से निगेटिव होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगला होगा, टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, जैसे टू बी गोइंग, तो बी प्लस वर्ब में आई एन जी, टू बी गोइंग, टू बी प्लस आई एन जी, टू बी गोइंग, ये कॉन्टिन्यूस का पार्ट हो जाएगा। और परफेक्ट इन्फिनिटिव को देखेंगे, जो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है, अर्थात जैसे टू हैव गॉन, टू हैव गॉन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखते हैं, तो प्रत्येक कॉन्टिन्यूस में आई एन जी होता है, जैसे टू हैव बीन वर्ब में आई एन जी, टू हैव बीन वर्ब में आई एन जी। और प्रेजेंट इन्फिनिटिव पैसिव में देखेंगे, जैसे टू बी गॉन हो जाएगा। और फुल इन्फिनिटिव जो होगी वो दो शब्द से बनेगी, टू प्लस वर्ब, जैसे टू गो। और वेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू के होगी, अर्थात टू का लोप होगा, वहाँ पर टू दिखेगा ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा करेगा जो वेयर इन्फिनिटिव होगा। फुल इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आप पहचान लेंगे, लेकिन वेयर इन्फिनिटिव में आप नहीं पहचान पाएंगे। और अर्थ नाने नहीं देगा, फुल इन्फिनिटिव भी देगा, वेयर इन्फिनिटिव भी देगा। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनिटिव हो जाएगी, और विदाउट टू, अर्थात टू का लोप, टू का ना होना, वेयर इन्फिनिटिव होगी। अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं सिंपल सेंटेंस को, किसके द्वारा, इन्फिनिटिव के द्वारा। तो पहला सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू आगरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, मैं आगरा जा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो आई यहाँ का सब्जेक्ट है, एम यहाँ का जो है हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, और टू यहाँ का प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ है को, और आगरा नाउन है, मैं आगरा जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है, आई वांट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूँ। तो मैं ताज देखना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
टू सी यहाँ की जो है इन्फिनेटिव है वो मिल रही है, दिखाई पड़ रही है। और अगर नोट को देखें तो टू प्लस नाउन अर्थात टू आगरा इन्फिनेटिव नहीं है, क्योंकि टू जो है वो प्रीपोजिशन है, आगरा नाउन के पहले है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है टू सी इन्फिनेटिव है। यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो गई। दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, एक सब्जेक्ट आई और एक सब्जेक्ट आई, पहला सब्जेक्ट आई और दूसरा सब्जेक्ट आई यहाँ पर दोनों सेंटेंस में। क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट हमको करना है, एक ही फाइनाइट वर्ब लानी है, किसी भी कीमत पे दो सब्जेक्ट या दो फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता जो है आपको देखने की मिलती है सिंपल सेंटेंस बनाने में, कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होना लाजमी है, अति आवश्यक है। तो पहला वाक्य है आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। अब आई एम गोइंग टू आगरा और दूसरा वाक्य है टू सी द ताज, आई वांट को काट देंगे क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होगा, तो टू सी द ताज, टू सी इन्फिनिटिव मिलेगी आपको, ठीक है। आई वांट को काट दिया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। और फिर क्या किए हम, कंबाइंड किए, कंबाइंड किए एक में करें अर्थात सेंसिस, सेंसिस का प्रयोग किया हमने किसके द्वारा, इन्फिनिटिव के द्वारा। तो आई एम गोइंग टू आगरा पहला वाक्य आपको मिल ही रहा है, आई एम गोइंग टू आगरा, और दूसरे वाले वाक्य की टू सी द ताज ले आकर के वहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, टू सी द ताज हो जा रहा है। तो आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, मैं आगरा ताज देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर जो टू सी आपको मिल रहा है वो फुल इन्फिनिटिव है, न कि बेयर इन्फिनिटिव है, यही आपको ध्यान देना है कि टू सी, अगर आपको यहाँ पर टू ना होना होता उसी सी में आपको टू लगाना पड़ता, अर्थात इन्फिनिटिव आपको बनानी पड़ती, और टू सी फुल इन्फिनिटिव यहाँ पर हो रही है। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूँ। तो बनेगा कंबाइन में आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, मैं आगरा ताज देखने के लिए जा रहा हूँ। दो पार्ट आपका बना, आई एम गोइंग टू आगरा एक पार्ट बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और दूसरा टू सी द ताज ए इन्फिनिटिव में बन गया। आगे देख लेते हैं, आगे है आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम, सिंपल सेंटेंस बनाना है। नोट आप देखेंगे, सबसे पहले आप क्या सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको वर्ब सर्च करना है। तो आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ का जो है वो मेन वर्ब के रूप में है, और सम ड्यूटीज देखेंगे, ड्यूटीज और सम यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है, ड्यूटीज ड्यूटी कर्तव्य, ठीक है, नाउन के रूप में, और आई सब्जेक्ट मस्ट यहाँ की जो है मॉडल में, और परफॉर्म यहाँ पर मिल रहा है आपको, परफॉर्म ही मेन वर्ब है, तो आप मेन वर्ब जब मिल गया तो वर्ब में ही फर्स्ट आपको टू लगाना है, और देम यहाँ का ड्यूटीज के लिए ऑब्जेक्ट है, तो देम जो है वो ऑब्जेक्ट है, देम किसके लिए आया है, ड्यूटीज के लिए आया है। तो क्या करना है, परफॉर्म वर्ब है, मिल गया, टू परफॉर्म किए और इन्फिनिटिव मेरी तैयार हो गई। अब आपको यही चीज देखना है कि परफॉर्म यहाँ पर क्या था, परफॉर्म यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव थी, कहीं भी टू आपको नहीं नजर आ रहा था। तो आपको सबसे पहले तैयार क्या करना है, परफॉर्म के पहले टू लगा करके फुल इन्फिनिटिव तैयार करनी थी, इसके पहले वो बेयर इन्फिनिटिव थी। तो दो सब्जेक्ट आई आई है, पहला काट देंगे, एक ही सब्जेक्ट सिंपल में होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए, और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो आप निश्चित तौर पे ऐसे में क्या करेंगे, ड्यूटीज और देम दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, देम को आप हटा देंगे, देम को हटा देंगे, और अर्थ अगर देखेंगे तो मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई हैव सम ड्यूटीज, मुझे उन्हें अवश्य निभाना है या करना है, परफॉर्म करना है। तो क्या होगा, आई मस्ट परफॉर्म देम है, देम को हटाएंगे और तैयार हो जाएगा आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, देम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बशर्ते ड्यूटीज का है, ड्यूटीज के लिए ऑब्जेक्ट आई है इसलिए उसको हटाना हटा भी सकते हैं। तो निभाने के लिए या करने के लिए मेरे पास कुछ कर्तव्य है, इस तरह से ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो आई हैव सम ड्यूटीज ये एक पार्ट बनेगा, और टू परफॉर्म एक पार्ट बनेगा, टू परफॉर्म जो एक पार्ट बनेगा वही यहाँ की इन्फिनिटिव होगी, और फुल इन्फिनिटिव तैयार होगी, इसके पहले परफॉर्म जो था वो वेयर इन्फिनिटिव था। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, और अगला सेंटेंस है
कि ही केम हियर स्टरडे, ही केम हियर स्टरडे, वह यहाँ कल आया था, वह यहाँ कल आया था। ही वॉन्टेड टू बाई सम बुक्स, और वह कुछ किताबें खरीदना चाहता था। आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैंने पहले बता दिया कि आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ढूंढनी है। यहाँ पहले से ही टू बाई है, पहले से ही टू बाई है, तो फुल इन्फिनिटिव आपको पहले से ही मिल रही है टू बाई, और दो सब्जेक्ट ही हैं, ही और ही है, एक सब्जेक्ट ऊपर वाला जो सेंटेंस है ही को हम क्या करने रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ही केम पास्ट इंडेफिनिट के तहत वो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी दे रहा है, ठीक है। तो ही केम हियर स्टरडे, ये आपका रहेगा, और नीचे वाले ही को क्या कर देते हैं, काट देंगे हम। और वांटेड, जब ही को काटे तो वांटेड का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, कोई भी उसका मतलब नहीं रह जाएगा, बचा क्या, टू बाई सम ड्यूटीज सम बुक्स। तो ही केम हियर स्टरडे, वहाँ यहाँ कल आया था या आया। ही वांटेड, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। टू बाई यहाँ की आपको मिल गई, तो टू बाई सम बुक्स, ही वांटेड टू बाई सम बुक्स, वह कुछ किताबें खरीदना चाहता था या चाहा, तो वह कुछ किताबें खरीदना चाहता था, कंबाइन में कर देंगे, कंबाइन में तैयार होगा ही केम हियर स्टरडे टू बाई सम बुक्स। दो पार्ट बनेंगे, और दो पार्ट में एक पार्ट बनेगा ही केम हियर स्टरडे, और दूसरा आपका तैयार हो जाएगा टू बाई सम बुक्स। और ये जो पहला तैयार होगा ही केम हियर स्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव होगी, और टू बाई सम बुक्स यहाँ की फुल इन्फिनिटिव हो जाएगी, वहाँ पहले से फुल इन्फिनिटिव था। और अर्थ देगा ना नैनी का, अर्थात वह यहां कल किताबें खरीदने के लिए आया था। आगे देख लेते हैं, और आगे सेंटेंस है गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, और यहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरुआत होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। गिव हिम अ चेयर, उसको क्या दीजिए, एक कुर्सी दे दो, और सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। दूसरा सेंटेंस है ही विल सिट ऑन इट, सिंपल सेंटेंस आपको तैयार करने हैं, तो गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट, अर्थात यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनिटिव है, सिट के पहले टू नहीं है, आपको यही ध्यान देना है कि सिट के पहले टू लगाना है। तो यह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी से शुरुआत हुई है। सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, वर्ब को सर्च करेंगे, सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, वर्ब को सर्च करेंगे, और वर्ब क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो गिव पहला मिल गया वर्ब पहले सेंटेंस में, दूसरे में मिला सिट, ठीक है, तो टू सिट करेंगे, वर्ब सिट है, और उसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, और इन्फिनिटिव तैयार हो जाएगी, फुल इन्फिनिटिव तैयार होगी। ही विल हटा देंगे, ठीक है, ही विल हटा देंगे, और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, टू सीट ऑन इट, इट यहाँ का ऑब्जेक्ट है, चेयर के लिए आया है, ठीक है, तो गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो, ही विल सीट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा, वह इस पर बैठ जाएगा, तो गिव हिम अ चेयर एक हो गया इंपरेटिव सेंटेंस में, और टू सीट ऑन इट यहाँ का दूसरा तैयार होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहला हो गया ये पार्ट, और इन्फिनिटिव यहाँ टू सीट ऑन इट जो है इन्फिनिटिव तैयार हो गई। और हम अदर एग्जांपल देखते हैं आपको बनाने के लिए, आप बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी पहला सेंटेंस है, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू इलाहाबाद, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू इलाहाबाद, पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पॉजिटिव में है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, इसको आपको कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। दूसरा है रामू रन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, दूसरा सेंटेंस है, तो रामू रन फास्ट, रन्स होगा उसको सही कर लीजिएगा, दौड़ता है रन्स करिएगा या रन कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट हुआ, रामू रन्स फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में है। ही लुक, ही टुक अ नाइफ, नेक्स्ट सेंटेंस है तीसरा, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू ली, ही वांटेड टू किल मी, वह मेरा कत्ल करना चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव में है और दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में है। और फोर्थ है ही हैज थ्री डॉटर्स, ही हैज टू एजुकेट देम, ही हैज टू एजुकेट देम, उसकी तीन बेटियां हैं और तीनों को क्या करना चाहता है, शिक्षित करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। और पांचवा सेंटेंस है मोनू वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज टू सपोर्ट
हिज फैमिली, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। फिलहाल बस इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।